सेम चीज इस्तेमाल होगी अगर समझना चाहो तो, ठीक है। सॉर्टिंग एंड फिल्टर, एक सेकेंड, डिलीट फॉर्मेटिंग, एक सेकेंड, मैं लिख रही हूँ बस। हाँ जी। अब हम करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करी आपने? ये यस। तो पता ही होगा, मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ऑल्ट डी एस। अच्छा, ये शॉर्टकट नहीं पता मुझे ऑब्वियसली। ऑल्ट डी एस, ठीक ओके। है, ऑल्ट डी एस। इसके अंदर शॉर्ट क्या करना है, नेम करने हैं, ठीक है, वैल्यूज करनी है, कलर भी कर सकते हैं हम, बाकी सिंपल जी ए टू बिल्कुल। जेड या जेड हाँ, टू ए, आपको पता ही होगा डेट एड्रेस हमें चाहिए या नहीं चाहिए, यस और ओके हो जाएंगे, सिंपल सी चीज़ है, ठीक कलर है। में भी आप सॉर्ट कर सकते हो, कलर में सेलेक्ट भी भी शॉर्ट कर कलर सकते पे। हैं, मैं टेक्स्ट करके की दिखा कलर देता पे हूँ, साउंड्स सपोज पे मैंने ट्राई कर आप, सकते हो आप। मैं कर देता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार, दो टाइप के कलर है ये, ठीक है। एक तो होता है मैं इसको फिल्टर भी कर सकता हूँ उस तरीके से, यहाँ पे आके फिल्टर बाय कलर, दो कलर आ गए, मैं वो तो फिल्टर करोगे ना आप सॉर्टिंग के लिए, तो आपको फिर बता रहा हूँ, एकदम दिमाग में आया तो हाँ। इसमें मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैसे फिल्टर भी कौन सा, एक साथ ही बता देता हूँ, फिल्टर तो आपको पता होगा, यहाँ पे गोपाल चाहिए, हाँ। ज्योति चाहिए, जो भी चाहिए कर सकते हैं। आप पुराना वर्जन ऑफ एक्सेल यूज कर रहे हो मुझे 13 चल लग रहा रहा है है। ना थर्टीन ये, चल रहा है ना? अच्छा हाँ, ये 13 है। नहीं, क्योंकि आपने अभी सिलेक्ट किया ना, तो उसमें मेरे को वो सर्च वाला फील्ड नहीं नजर आया इसलिए। अच्छा, इसको सेल या कलर भी कर सकते हैं, इसमें कलर दिखा देगा कौन सा चाहिए, ठीक है, करेक्ट। हाँ। टॉप में चाहिए नीचे चाहिए, उस हिसाब से कर देगा। ये सॉर्टिंग क्लियर है, हाँ। तो इसका बस शॉर्टकट याद रखना डी एस, ओके। तो ये हमारा होम का मेन्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है, कुछ रहा तो नहीं इसके अंदर। नहीं, नॉट टू माय नॉलेज। तो अब थोड़े से फंक्शंस कर लें क्या, हाँ, थोड़े से फंक्शंस कर लेते हैं, ठीक बिल्कुल। है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता देता हूँ आज की क्लास में, जैसे हम करेंगे काउंटिफ, आपको शायद पता भी होंगे काउंटिफ। सो मे बी आई विल टेल यू ऑफ व्हाट आई नो, एंड देन मे बी यू कैन डिसाइड एट वेयर व्हिच लेवल आई स्टैंड। ओके। आई नो काउंटिफ एस, आई नो अ बिट ऑफ सम इफ। सम इफ अभी अभी शुरू किया है मैंने यूज करना। सम इफ, सम इफ एस, आई नो एच लुकअप, वी लुकअप, ओके, अ बिट ऑफ सी एंड इफ, और ये वाले ना मैं कुछ फंक्शंस पे ही कर सकती हूँ, मैं इन डिटेल नहीं यूज कर सकती। आई एम अ वेरी बिगिनर एट दैट लेवल। ओके, मैं आपको जो सिखाऊंगा ओके, वो आई कैन डू पिवट है, टेबल, आई कैन डू पिवट टेबल्स, ओके ओके, आई कैन डू चार्ट्स, ग्राफ्स आउट ऑफ पिवट्स। सो या ठीक है। तो आपका होम मेन्यू आज क्लियर हो गया है, ठीक। नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आपको एक एक करके सारे टेस्ट करा दूंगा, और फंक्शंस के अंदर मैं आपको मोस्टली सारे ही फंक्शंस कराऊंगा, और सब फंक्शंस का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको करना सिखा दूंगा किस तरीके से फंक्शन लगेगा, उसकी काफी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मर्जिंग, चार पांच फॉर्मूलों को मिला के एक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं जो मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी है, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हाँ। सो आई मे नॉट तो नो सी काउंट इफ और काउंट ऑफ एस मेरे को आता है, पर मेरे को अपने तरीके से आता है। मे बी लॉजिकली आप जो एक्सप्लेन करोगे मेरे को वैसे नहीं आता होगा, समझ रहे हो? बिकॉज आई नो ऑफ ऑल ऑफ दिस, आई हैव लर्न ऑल ऑफ माई एक्सेल थ्रू गूगल,
मेरे को एज एंड व्हेन कुछ नीड पड़ा है कुछ सर्च करने के लिए या कुछ, तो मैंने गूगल पे देखा कि कैसे करना है एंड दैट इज हाउ आई हैव लर्नड माय एक्सेल. ओके सो मे बी मैंने बिना समझ के कि अच्छा ये सिंटैक्स क्या करता है मैंने यूज किया है. यू मे बी एबल टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट एग्जैक्टली दैट सिंटैक्स डज. ओके ओके सो अभी क्या क्या कवर करोगे आज आप फंक्शंस में? फंक्शंस में आपको आपने बताया आपको समीफ में प्रॉब्लम है ना? हाँ जी आपने कहा था आपको समीफ में प्रॉब्लम है. हाँ मतलब समीफ. मेरे को हाँ पर आपकी आपकी आज की सिलेबस में आपको क्या कवर करना है? आपके पास मैं आपको सारे कराऊंगा. हाँ हाँ मैं तो आपको मोस्टली सारे फंक्शंस कराऊंगा मोस्टली मतलब जैसे कि हाँ कोई बात नहीं. आप तो फिर वही जो आपको जो सिलेबस है आपका आज का तो आप वैसे ही करो आप फिर. ठीक है आई विल रीलर्न व्हिच इज परफेक्टली फाइन विथ मी. आपको जैसे करना है आप करो. देन इफ आई फील आई नो इट देन आई लेट यू नो. ठीक है ओके मैं वैसे करने वाला था आज काउंटिंग. हाँ काउंटिंग ओके काउंटिंग एस होगा ना. हाँ समीफ समीफ ओके एंड मैं करने वाला था सम प्रोडक्ट. ये नहीं आता मेरे को सम प्रोडक्ट करता वी लुकअप. वी लुकअप का आपको एक नया तरीका बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा. ओके एच लुकअप को रहने देता है आपको पता होगा नॉर्मली वैसे लगता है. हाँ मेरे को एच लुकअप मेरे को कभी लाइफ में यूज नहीं करने को मिला. अभी एक नया प्रोजेक्ट आया उसमें एच लुकअप नहीं मैं यूज कर रही हूँ अभी. मैं भी तब यूज करता हूं जब किसी को दिखाता हूं. बहुत ही कम यूज होता है एच लुकअप पर. नहीं मैंने अभी जैसे तैसे करके यूज किया है एच लुकअप के लिए. मैं कुछ ज्यादा यूज करना है. ओके वी लुकअप कर लेते हैं हम. मैन फंक्शन कर लेंगे. मिड कर लेते हैं. बहुत सारे फंक्शन है. मैं आपको 50 60 या 70 80 के करीब कराऊंगा. अच्छा ओके तो मैं आपको गिनती के अभी 10 बारे कराऊंगा आज को. ठीक है बाकी लोड ना हो जाए दिमाग पे थोड़ा सा. हां आई अंडरस्टैंड. मिड फंक्शन हो गया. मैक्सिमम मिनिमम कोई आपको याद आ रहा हो? ये शायद से मैंने बहुत टाइम पहले यूज किया है मैक्सिमम. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज में लगते हैं जब आप किसी की इंटीजर्स की जब वैल्यू होती है उसमें करने के लिए ना ये लगते हैं. मैंने यूज किया तो है पर मेरे को मतलब एक आध बारी फॉर्मूला डाल के शीट बनाई है मैंने तो फिर उसके बाद यूज नहीं होती है मैंने. कौन कैटेगरी कर लेते हैं आज? ओके ठीक है ये आता है मेरे को कंट्राक्ट में. ठीक है और याद आ रहा है स्प्लिट करने के लिए? स्प्लिट करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है मेरे को टेक्स्ट टू कॉलम्स पता है. अच्छा कौन कैटेगरी में हो जाएगा वो स्प्लिट करना? हां हां एक सेकंड स्प्लिट करना होता है. मैंने तो जॉइन करते आया ना करा दूंगा. करना कैसे करते हैं? आज डाल देता हूँ. ठीक है इतने ही कर ले आज. ठीक है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको डैशबोर्ड का और उसका वीडियो का भी दे दूंगा आपके बाद में. ओके थोड़ा सा लाइट रखें क्लास में. ओके तो काउंटिंग के लिए मैं एक डेटा बना देता हूँ पहले. ए बी सी ठीक है एक सिंपल सा डेटा है एबीसीडी एबीसीडी. इसमें आप इसमें परसेंट डेटा डाल देता हूँ मैं. ठीक है एक एक करके लगाते हैं. पहले लगाते हैं काउंटिव. काउंटिव का मतलब है एक रेंज में से एक चीज कितनी बार आ रही है. ठीक है इसके अंदर एबीसी तीन बार आ रहे हैं. एबीसी तीन ही वेरिएबल है हमारे पास मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. अगर आप इसको फिल्टर लगा के करना चाहो तो आपको फिर इसमें ऐसे करना पड़ेगा फिल्टर करके. हां आपको फिर या तो सेलेक्ट करके मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा. मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा या फिर हम इसको लगा सकते हैं काउंटिंग. इसमें से मुझे चाहिए तो F4 से इसको फिक्स कर देते हैं. हां F4 से फिक्स करते हैं. हां फिक्स कर लेते हैं. इसमें से मुझे चाहिए A. टेक्स्ट को हम डिफाइन करते हैं ना इसके अंदर कि हमें ये चाहिए तो हम उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर डालते हैं.
सपोज अगर मुझे किसी का रेफरेंस देना होता तो उसमें मुझे इन्वर्टेड कॉमा डालने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा स्पीड से बोलता हूँ, थोड़ा सा अगर कुछ क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ए चाहिए हमें इसमें से, तीन है इसके अंदर ए, ठीक है? राइट। ऐसे हम बी का देख सकते हैं, सी का देख सकते हैं। अब इसके अंदर लगाते हैं हम काउंट इफ्स मल्टीपल टाइम्स क्राइटेरिया, ठीक है? इसमें से हमें चाहिए, फिक्स कर दिया इनवर्टेड कॉमा, हमें चाहिए ए, ए। अब दूसरा क्राइटेरिया हमें इसी रेंज में से चाहिए, बी भी चाहिए, ठीक है? दो क्राइटेरिया दे दिया हमने, बस क्या बात है भाई, आए के लिए इसके लिए काउंट इसमें से हमें चाहिए ए। ये मेरे साथ भी होता है, कभी किसी को दिखा रहे होते हो और जीरो आ जाता है, सभी वाले फंस जाते हो आप मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये, तो कोई ऐसा कभी होता है जिसको बताते हैं? हाँ वो तो भी ऐसे तो काम कर ले जाता है, पर ऐसे अब फंस जाता है। चलो मैं इसमें से रेंज ले लेता हूँ ए बी, ठीक है? काउंट इट्स, इसमें से मुझे चाहिए ये, इसमें से मुझे चाहिए तो मैं समझ गई आप जो कह रहे हो, मैंने यूज किया है ये, यहाँ भी यूज होना चाहिए ना, एक सेकेंड। हाँ वो हो जाता है, कोई बात नहीं, तो दोबारा से कर देते हैं इसको। वो कभी कभी ना एक्सेल को ना वो खराब हो जाती है, एक्सेल नहीं, एक्सेल में बनाना पड़ता है सारा, पर कोई नहीं समझ में आता क्यों होता है ऐसा। चलो मैं इसको बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाद में, ठीक है, नो प्रॉब्लम ना। चलो अब हम करते हैं, मैंने नोटिस किया आपके वो नंबर्स रैंडमली चेंज हो रहे हैं, क्यों? मैंने इसको वैल्यू पेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने फंक्शन लगाया था रेंड बिटवीन का, ठीक है? तो वो जब मैं इसको अपडेट करता हूँ तो चेंज होते रहते हैं, इसलिए मुझे वैल्यू पेस्ट करना होता है। अच्छा, अब नहीं होगी चेंज? नहीं, अब लगा के देखो शायद। वो खुद से चेंज करते रहते हैं अपने आप से क्या? वो तो आप कुछ करो तभी चेंज होना चाहिए ना। नहीं, कुछ भी मैं एंटर मारता हूं, कुछ भी करता हूं तो अपडेट, जब कुछ भी होता है शीट के अंदर तो वो होता है चेंज। अच्छा ओके, यार चलो बाद में बताऊंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, अच्छा है। अब देखो समीप, मेरा ही बेस स्टार्ट ऑफ द गन। सॉरी, अब दिल्ली में हो या कोई और सिटी में हो? मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा ओके, आप कहाँ पे रहते हो? दिल्ली में रहती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में टुवर्ड्स मयूर विहार साइड। ओके समीप करते हैं, समीप के अंदर क्या है, हमें जैसे ए है, हमने काउंटिंग के अंदर क्या करा था, ए हमारा कितनी बार आ रहा है, ठीक है? ऐसे हमारा बी कितनी बार आ रहा है, हमें चाहिए कि ए के अंदर जो है जितना ये सम है, जितनी इसके आगे वैल्यूज हैं उसका सम चाहिए। मैं आपको मेरा फिल्टर लगा देता हूँ, आज दिन ही खराब है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, ए के अंदर इसका सम कितना है? सेकंड, 81।
ओके ऐसी बी का सम कितना है 216, ठीक है। अब मेरे को फिल्टर लगा के करना पड़ रहा है, मैं फिल्टर लगाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरा एक फंक्शन लग जाए जिससे इसका सम अपने आप आ जाए, ठीक है। इसको करते हैं इक्वल टू सम इफ, देखो सम इफ के अंदर जो है पहले हम देते हैं क्राइटेरिया, उसके बाद देते हैं हम रेंज। क्राइटेरिया हमारा है इसके अंदर से हमें चाहिए ए, ये हमारा है क्राइटेरिया और हमारी रेंज क्या है ये, इसमें से हमें सम चाहिए 89, ओके। हमें मतलब हमारा सम तो इसमें से आ रहा है, जो जिसमें से हमें सम चाहिए वो हम बाद में देते हैं उसकी रेंज, पहले हम क्राइटेरिया दे देते हैं। क्राइटेरिया हम इसमें से देंगे कि हमें इसमें से चाहिए वो एक्सपेक्टिव नंबर चाहिए समिक्स, हमें इसमें से चाहिए। इस बार शायद चल जाए, सॉरी समिफ जब हम करते हैं तो हमें रेंज देनी होती है पहले, समिफ में हम रेंज देते हैं बाद में, पहले क्राइटेरिया फिर रेंज, ठीक है। जब हम समिफ करते हैं पहले सम रेंज पहले देना होता है, हाँ समिफ के अंदर सम रेंज पहले देना होता है फिर बाद में हमें क्राइटेरिया देते हैं। तो सम रेंज हमारा है ये, अब हम देंगे क्राइटेरिया, हमें इसमें से चाहिए क्या ए और इसी में से चाहिए हमें बी भी, सेम प्रॉब्लम। ये वो कुछ सेल के साथ गड़बड़ है, अपने एक्सेल शीट में ओपन करके करोगे ना तो ठीक हो जाएगी, फंक्शन वैसे सही है इसी तरीके से लगता है, ठीक है। मुझे पता है वो, I've had enough of problems in 2 and a half years, I know. ये नहीं बिल्कुल, थोड़ी सी वर्तन से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैंने सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं 7 पे काम कर रहा था, सेशन स्टार्ट होते होते 5-10 दिन पहले मैंने 13 इंस्टॉल किया है। क्या इंस्टॉल किया आपने? पहले मैं क्या कहते हैं एक्सेल 2007 यूज कर रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको 13 में कन्वर्ट किया है, अपग्रेड किया है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम उस वजह से हो रही हो। नहीं, इट इज इट्स अ वेरी नॉन प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज़ इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स विद मी एज़ वेल। मैं किसी शीट पे काम कर रही हूं, फार्मूला लगा रही हूं, वो नहीं लगता है, पर इज इक्वल्स टू डाल के एंटर भी करूंगी ना तो वो सिर्फ फार्मूला ही दिखाएगा, वैल्यू नहीं दिखाएगा, फार्मूला सब कुछ सही है, वो सिर्फ फार्मूला फार्मूला दिखाएगा। या फिर मैं सेवरल दूसरी शीट पे लगा के देख लेता हूं, हो सकता है शीट में प्रॉब्लम। हां, इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स विद मी, इट हैपेंस, तो आप जब शीट चेंज कर दोगे ना तो ठीक हो जाता है वो। Some range. Sheet as a new workbook. It's new. Control Control N is shortcut. Control N is हाँ मुझे पता है, हाँ new workbook करने के लिए इसी में से चाहिए होगा। चलो इसको नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा चेक कर लूंगा मैं इसे। दिक्कत नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। हम करते हैं सम प्रोडक्ट, ओके। सम प्रोडक्ट देखो, सम प्रोडक्ट जो है किसे कहते हैं इस फंक्शंस का, ठीक है। हेलो, सम प्रोडक्ट जो सम प्रोडक्ट जो फंक्शन है इसको फंक्शंस का किंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सम प्रोडक्ट अकेले ही एक खास सा फंक्शन है जिससे हम काउंट इफ का भी यूज ले सकते हैं, काउंट इफ्स का भी ले सकते हैं, सम इफ का भी ले सकते हैं, सम इफ्स का भी ले सकते हैं, और इसका अपना भी एक अलग यूज है। पांचों यूज आपको बताता हूं मैं, ठीक है। सपोज यहां पे मेरी कुछ क्वांटिटी है, सपोज मैंने 1 किलो सेब ले लिया या 2 किलो ले लिया, जितने भी है कुछ क्वांटिटी मैंने इसमें डाल ली, ठीक है। इसका प्राइस रैंडम नंबर्स ले लेता हूँ, 32, 50, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसका पहले मल्टीप्लाई करूं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो हमारा क्या आएगा, टोटल प्राइस आ जाएगा एक एक इसका। अब मुझे चाहिए इसका सम भी चाहिए,
ये इसका समय आया, तो हमने सपोज ये चीजें खरीदी, ठीक है, इसका इतना इतना प्राइस था, इतने इतना इसका बिल बैठा, उसका टोटल समय इतना बन गया। अब मैं इसको सम प्रोडक्ट से यूज करता हूँ, सम प्रोडक्ट ये हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारा प्राइस है, सिंपल क्लोज करो ब्रैकेट फॉर एंटर, सेम रिजल्ट है। अच्छा ओके, पहले ये मल्टीप्लाई करता है फिर सम करता है। हाँ हाँ समझिए, अब काउंटी फॉर काउंटिंग का जो डिफरेंस है वो बताते हैं। ये मतलब ये इसका एक यूज हो गया, ये इसका एक यूज है, इसका अपना यूज जो है सम प्रोडक्ट का, बाकी इसको अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। सेम डेटा बना देता हूँ, ए बी सी, किस तरीके से यूज करोगे, मुझे इसको काफी टाइम हो गया लेकिन देखते हैं काम करना चाहिए। इसको तो सम प्रोडक्ट इसमें से जो है इसको एक और बार लगाना पड़ेगा, सम प्रोडक्ट एक ब्रैकेट और इसमें से मुझे चाहिए, इसमें हम लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, ए चाहिए, हमने इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई मतलब आप उसको क्राइटेरिया दे रहे हो। हाँ शोइंग एरर, ये ऐसे फंक्शन बहुत कम यूज होते हैं, इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, समझ सकते हैं। अगर मेरे को आप सर्च पूछोगे, मेरे को सर्च वैसे दो तीन फंक्शन आते हैं सर्च के, अभी मेरे को पूछोगे ऐसे नहीं पता होगा, मेरे को मेरे मेरे को मेरा शीट एक बार देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा मेरे को, इट हैपेंस क्योंकि जब डेली यूज में नहीं आते हैं ना वो समझती हूँ। मेरा जो काम होता है मैं मेरा एक ही टाइप की शीट में मेरे को नया डेटा चर्न आउट करना पड़ता है, ठीक है, तो इट्स नॉट दैट आई गेट फ्रेश काइंड ऑफ रिपोर्ट रिक्वेस्ट एवरी टाइम, एक टाइप की रिपोर्ट बना दी फिर उसी में सिर्फ मेरे को डेटा चेंज करनी पड़ती है। मैंने अपनी शीट्स वैसे बना दी है कि मेरे को सिर्फ रॉ डेटा डालना पड़ता है और बाकी रिजल्ट्स उन्होंने मतलब ओवर द लास्ट 6-7 मंथ्स उन्होंने जो जो पूछा होगा ना मैंने सारा उसी में अपेंड कर दिया है, सारा नए नए शीट बना के, सो आई जस्ट पुट द रॉ डेटा उनको क्या चाहिए फिर मैं उस वाले शीट में जाके उठा के दे देती हूँ, ग्राफ हो पिवट टेबल्स हो एवरेजेस हो कुछ भी हो, मैं सारा वैसे मैंने अपनी खुद की वर्क बुक वैसे बना रखी है। जो भी छूट रहा है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है एक बार देख लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतरा हुआ है, मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ उनको, ठीक है। वी लुकअप करते हैं, वी लुकअप आपको आता ही है लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है, जो बात यूज होगा आपको। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसको रिवर्स लुकअप नहीं कर सकते ना, मतलब लेट्स से रिवर्स नहीं होता, उसके लिए हम इंडेक्स मैच लगाते हैं। हाँ उसके लिए इंडेक्स मैच लगाते हैं, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इंडेक्स मैच लगाना। नहीं इंडेक्स मैच सिंपल है, आपको बताऊंगा मैं कैसे लगता है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बहुत सिंपल है। इंडेक्स मैच लगाते हैं, लुकअप भी लगाते हैं, सिंपल लुकअप होता है जिसको सॉर्ट करके उल्टा भी लगा सकते हैं लेकिन वी लुकअप नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको तो आपको अगर ये वैल्यूज निकालनी है तो आप सिंपल वैल्यू को लगाओगे, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, सिंपल रखता हूँ थोड़ा सा,
आपको बी का वैल्यू, बी की वैल्यू चाहिए कि हमारा क्यूब में क्या है, ठीक है, सिंपल व्यू लुकअप लगेगा। लेकिन मुझे ये सारा व्यू लुकअप एक साथ, ये सारा जो डेटा है एक ही बार के अंदर चाहिए। पहले मैं आपको सिंपल लगा के दिखाता हूँ, सिंपल व्यू लुकअप, ठीक है, ये सर्च करेंगे इसमें से 2 0 एंटर 4। लेकिन मुझे चाहिए, मुझे सारा डेटा चाहिए, ये वाला जो है ये सारा एक बार में आ जाए। मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ ये, ठीक है, ये सारा डेटा मुझे एक बार में चाहिए। एक बार में आप लुकअप लगा सकते हो, ये सारा डेटा एक बार में यहाँ पर आ जाए, एक ही लुकअप एक ही लगेगा, सारा डेटा इसमें आ जाएगा। अच्छा। इसके लिए क्या करते हैं, हम शिफ्ट दबा के थोड़ा सा पीछे तक जाएंगे जितना हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप, ये चाहिए हमें, इसमें से चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमा लगाने के बाद एक आता है ये वाला बटन, आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड पे ये वाला टेढ़ा मेढ़ा सा जो है ये, इसको हम बोलते हैं एरे। तो इसमें से मुझे चाहिए दूसरा, चाहिए तीसरा, चाहिए कॉमा देके जो है ले लो, जितने चाहिए कॉलम जितने भी चाहिए, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए और छठा चाहिए। मैं इसी को इसी से बंद कर देता हूँ, कंट्रोल 0 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एरे के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको हम कंट्रोल शिफ्ट दबा के जो है एंटर मारते हैं, तब जाके वो काम करता है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट दिखा देगा, देख रहे हो सारी वैल्यूज एक साथ आ गई। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत कम लोगों को पता होती है।